नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनका फर्स्ट जो यूनिट है उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। इसको आराम से सुनना, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो भारतीय, प्राचीन भारतीय संस्कृति क्या होता है? संस्कृति होता है जीवन की शुद्धि के लिए किए गए आवश्यक कर्तव्य या संस्कार की जो योजना है उसे ये हम क्या कहेंगे, संस्कृति कहेंगे। और भारतीय संस्कृति को हम देखते हैं तो भारतीय संस्कृति क्या है, सार्वभौम आदर्शों से प्रेरित है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर भारतीय संस्कृति की बात आती है तो वो क्या है, सार्वभौम आदर्शों से प्रेरित है। और ये एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलता है कि हम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, सत्यम शिवम और सुंदरम की खोज पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारतीय संस्कृति है वो एक सार्वभौमिक आदर्शों से प्रेरित है। इसका उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है या फिर ये हम क्यों कह सकते हैं? इस वजह से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को जब हम देखते हैं तो भारतीय संस्कृति में सत्यम शिवम सुंदरम की खोज का प्रमाण हमें मिलता है। भारतीय संस्कृति लगातार आज भी क्या है, कायम है। लेकिन भारतीय संस्कृति को हम देखें तो जब भारतीय संस्कृति की शुरुआत हुई थी उसके साथ साथ में और भी जो सभ्यताएं थी वो विकसित हुई थी, लेकिन आज भी उनका क्या है, अस्तित्व नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में मिस्र की सभ्यता थी, सुमेर की थी, यूनान की थी, बेबीलोन था, रोम था, इन सभ्यताओं का क्या है, संस्कृति अब कायम नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी थोड़े से परिवर्तन के साथ में वैसे ही की वैसी विद्यमान है। भारतीय संस्कृति की अगर हम विशेषता देखते हैं तो अलग अलग पॉइंट वाइज हम इसको देखेंगे विशेषताओं को। पहली विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में क्या है, प्राचीनता है। प्राचीनता समझ गए कि सबसे पुरानी प्राचीनता, यानी उसी पीरियड में जैसे पाषाण युग के अवशेष हमें प्रमाणित मिलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, यह प्रमाणित साक्ष्य हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, बहुत पुरानी है, यानी प्राचीनता है भारतीय संस्कृति में। दूसरी विशेषता इसमें इसकी है भारतीय संस्कृति की, इसमें क्या है, निरंतरता, ये लगातार कंटिन्यूस चल रही है। परंपरागत जो संस्थाएं हैं भारत की उस टाइम की और अब की देखें तो धर्म, महाकाव्य, साहित्य, दर्शन, संस्कार या रीति रिवाज हैं वो आज भी क्या हैं, थोड़े से परिवर्तन के साथ में भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या है, निरंतरता है। पहली इम्पोर्टेंट विशेषता होगी कि सब भारतीय संस्कृति क्या है, उसमें प्राचीनता है। दूसरी क्या होगी विशेषता कि इसमें निरंतरता है। थर्ड हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या है, आध्यात्मिकता की भावना है। अगर हम आध्यात्मिकता वर्ड को हम देखते हैं तो क्या कहा गया आध्यात्मिकता के बारे में, कि धर्म और ईश्वर के प्रति निष्ठा युक्त श्रद्धा ही क्या कहलाती है, आध्यात्मिकता कहलाती है। इसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने अपनी भारतीय संस्कृति उसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत राष्ट्र मर नहीं सकता है, अमर है और उस समय तक अमर रहेगा जब तक कि उसके लोग आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ देंगे। तो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता की भावना है, इस वजह से क्या है, भारतीय राष्ट्र क्या है, अमर है। तो ये हो गया आध्यात्मिकता, पहली हो गई प्राचीनता, दूसरी निरंतरता, तीसरी हो गई आध्यात्मिकता। अब चौथी जो विशेषता है वो है समन्वयवादिता। समन्वयवादिता किस वजह से, कि बाह्य तत्वों का आत्मसात। भारतीय संस्कृति में कोई भी बाह्य तत्व यानी कोई भी जो सभ्यता थी उस टाइम की, किसी भी टाइम की जो सभ्यताएं हैं उनसे उन्होंने क्या किया, उनके गुणों को लिया, उनके तत्वों को आत्मसात किया भारतीय संस्कृति ने। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें समन्वयवादिता है, परिस्थिति अनुरूप परिवर्तित होने का उसमें गुण है। जी इसी वजह से क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी कि समाज के अंदर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है उसको परिवर्तन को अगर गुण को अपना लिया जाए तो वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा, ये सिद्धांत है। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति ने भी क्या काम किया, दूसरी सभ्यताएं आती गई उनके अच्छे गुणों को और उनके जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को क्या किया, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाला। ये होती है समन्वयवादिता। इसके विषय में प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा है कि भारतीय संस्कृति की कहानी एकता, समन्वय, समाधानों एवं प्राचीन परंपराओं के पूर्ण सहयोग की उन्नति की क्या है, कहानी है। तो ये कहा है प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने।
नेक्स्ट आती है कि भारतीय संस्कृति में क्या है, धर्म की प्रधानता रही है। और भारत में आज भी देखें तो भारत में क्या है, संस्कृति में धर्म की प्रधानता है। धर्म का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति को कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करना। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य क्या है, इसमें भाग अगर हम देखें तो धर्म में जो हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म हो, उसमें मोक्ष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो धर्म का अर्थ कर्तव्य से लिया गया है यहाँ पे, जिसमें परवर्ती और निवर्ती दोनों का मार्ग क्या है बताया गया है। तो धर्म की प्रधानता इसमें रही है और धर्म का अर्थ यहाँ पे क्या है, कर्तव्य। भारतीय संस्कृति में हम देखें तो विविधता में एकता देखने को मिलती है। भारत में क्या है, अगर देखा जाए तो भारत क्या है, बहुत ज़्यादा भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसमें विभिन्नता है। खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषाएं अलग हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोग क्या हैं, एक हैं। इसके बारे में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा है कि भारत को जातियों और भाषाओं का अजायब घर कहा जाता है। तो यही दर्शाता है विविधता में एकता को। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा है कि भारत को जातियों और भाषाओं का क्या कहा गया है, अजायब घर कहा गया है। राजनीतिक एकता, अब इसके बारे में हम अलग अलग विविधता में एकता किस वजह से, कि राजनीतिक एकता किस रूप से है, क्योंकि उनका खान पान, वेशभूषा, भाषाएं भिन्न 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 है, फिर भी उनमें एकता है। तो किस कारण से है, तो सबसे एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक एकता किस वजह से हमें दिखाई देती है विविधता में एकता होते हुए। भारत राजनीतिक एकता किस प्रकार से, कि भारत के जो राजा रहे हैं, जिन जिनकी क्या थी, विस्तृतवादी नीति थी, अपने आप को एक स्वराष्ट्र बनाने, भारत को एक स्वराष्ट्र बनाना चाहते थे, जो क्या करना चाहते थे, भारत को एक करने का काम किया उन्होंने। भारत क्या था, अलग अलग पार्टों में डिवाइड था, लेकिन भारत को एक करने का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, भारत को एक किया अशोक, फिर समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर, कोई भी राजा आया जो क्या थे, विस्तारवादी नीति के थे, उन्होंने क्या किया, भारत को एक करने का काम किया। तो राजनीतिक एकता है भारत में। भौगोलिक एकता किस वजह से है, कि भारत की अगर भौगोलिक स्थिति को हम देखते हैं तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, और भारत के तीन तरफ क्या है, विशाल समुद्र है। इस वजह से भारत औरों से क्या है, अलग होता है, क्योंकि एक तरफ तो इसका दीवार क्या बन गई, हिमालय बन गया, और तीन तरफ क्या है, समुद्र है। इस वजह से भौगोलिक एकता देखने को मिलती है। इस विषय में, भौगोलिक एकता के विषय में राम रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि भारत में यद्यपि प्रांतीय भेदों के लिए अनेक क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन इन सभी भिन्नताओं को समेट कर भारत को एक पूर्ण देश बनाने का कार्य भी हमारे भूगोल ने ही किया है। ये विचार है रामधारी सिंह दिनकर के भौगोलिक एकता के विषय में। तो भारत में क्या है, राजनीतिक एकता है, भौगोलिक एकता है, भीतर से कुछ कुछ बटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक ही भारत की यह क्या है, विशेषता बहुत पुरानी है। ये भारत के बारे में कहा जाता है कि ये भीतर से क्या है, कुछ कुछ बटा हुआ है और बाहर से क्या है, बिल्कुल एक है। ये भारत की क्या है, सबसे पुरानी विशेषता है। अब भारत में धार्मिक एकता कैसे है, सभी धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदू धर्म से हुई है भारत में, और सभी धर्मों के दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत भी क्या है, एक ही समान है। अगर हम किसी भी विषय को, किसी भी धर्म को उठा लें तो सबका क्या है, दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत है, वो सेम है। तो भारत में क्या मिलती है देखने को, धार्मिक एकता देखने को मिलती है। तीर्थ स्थान, भारत में अनेक अनेक तीर्थ स्थान है, अनेक मुनि ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अलग अलग तीर्थ स्थान बनाए हैं, उन तीर्थ स्थानों में भी क्या है, एकता है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि वह भारत भूमि धन्य है जिसकी प्रशंसा के गीत देवता गाते हैं, यह भूमि स्वर्ग और अपवर्ग के समान बनी है जिस पर देवता लोग भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में कहा है, और किसने कहा है, विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है भारतीय भूमि के बारे में। भाषा और साहित्य के आधार पर अगर हम देखें तो भाषा और साहित्य, अगर हम पुराने भाषा और साहित्य देखते हैं तो सबसे पुरानी हमारी भाषा, लोकप्रिय भाषा संस्कृत है, वो संस्कृत भाषा से ही ये जितनी भी भाषाएं उनका ये उत्पन्न हुई है, जैसे पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, और ये हिंदी है, हिंदी भाषा भी किसके किससे उत्पन्न हुई है, संस्कृत से, और सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। भारत में एकता का सिद्धांत है समष्टि में व्यष्टि, ये सिद्धांत भारत पे लागू होता है, भारत का ही सिद्धांत है समष्टि से व्यष्टि। सर हबर्ट रिजले ने क्या कहा है कि भारत में दर्शक को भौतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भाषा, आचार और धर्म में जो विविधता दिखाई देती है, उसकी तह में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आंतरिक एकता है।
यह वह एकता है जो रक्त, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, भाषा, आचार विचार, वेशभूषा आदि भेदभावों का प्रतिरोध कर भारत को सर्वश्रेष्ठ उन्नत राष्ट्र बनाती है। ये विचार हैं सर हर्बर्ट रिजले की। तो आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता में उदारता है, धार्मिक सहिष्णुता की भावना है। धार्मिक सहिष्णुता कैसे, कि भारत सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्मों को आदर देता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो सभी धर्मों को आदर देना क्या होती है, धार्मिक सहिष्णुता होती है। भारतीय संस्कृति ये नहीं दिख बताती कि कोई भी धर्म, भारतीय लोग मानव ये नहीं मानते कि कोई भी धर्म क्या हो पल पूर्वक माना जाए। ये पुरानी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है, पुराने विचारों में भी हमें देखने को मिलता है, आज भी यही है, आज के टाइम में भी क्या है, भारत सर्वधर्म संभाव है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि सत एक है लेकिन ज्ञानी पुरुष उसका अनेक प्रकार से वर्णन करता है। तो ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में, इम्पोर्टेंट है, किसने कहा है कि सत एक है लेकिन ज्ञानी पुरुष उसका अनेक प्रकार से वर्णन करता है। अशोक ने क्या लिखा है, अशोक ने लिखा है कि लोगों को दूसरों के धर्म के बारे में सुनना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, ये अशोक के विचार है। तो ये प्रमाणित है कि भारतीय धर्म क्या नहीं सिखाता, कि बलपूर्वक धर्म कोई भी किसी का भी मानो, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की ये भावना को दर्शाता है। और श्री कृष्ण ने क्या कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से, कि विभिन्न धर्म ईश्वर तक पहुंचने के क्या है, विभिन्न मार्ग हैं। तो ये विचार है ऋग्वेद में कहा गया है, अशोक ने कहा है और श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा है। तो ये हमें दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या है, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता पहले से ही थी। धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है कनिष्क ने। कनिष्क ने देखो किस प्रकार से परिचय दिया है कि धार्मिक सहिष्णुता का, कि उन्होंने सिक्के चलाए, उन सिक्कों पर उन्होंने क्या किया, ईरानी, यूनानी, हिंदू तथा बौद्ध देवी देवताओं के चित्र अंकित किए। यानी कनिष्क ने सभी धर्मों के, कोई भी धर्म हो लेकिन सभी के चित्र है वो अंकित कराए। अकबर ने भी क्या किया, सभी धर्मों को धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया, दीन ए इलाही मत का प्रचलन किया था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अकबर भी क्या थे, धार्मिक सहिष्णु थे और कनिष्क भी। कनिष्क ने क्या किया, सिक्कों पर सभी धर्मों के चित्र अंकित करवाए और अकबर ने दीन ए इलाही का मत प्रचलन किया था। भारतीय संस्कृति का आदर्श है सर्वधर्म संभाव। नेक्स्ट आता है ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति अगर हम देखें तो समय समय पर जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, जितनी भी सभ्यताएँ हैं, उनसे अच्छे विचारों को ग्रहण किया, यानी कि टाइम टू टाइम भारत ने क्या किया, अच्छे विचारों को ग्रहण किया। प्रोफेसर डॉडवेल ने ये कहा, क्या कहा है भारतीय संस्कृति के बारे में ग्रहणशीलता पे, कि भारतीय संस्कृति महासमुंद्र के समान है जिसमें कई नदियों का समागम होता रहा है। तो ये प्रोफेसर डॉडवेल के विचार हैं ग्रहणशीलता में। सर्वांगीणता कैसे है, गीता में क्या कहा गया है कि कर्म करो, और कर्म क्या करना है, हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए जिसमें उसका क्या होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। तो सर्वांगीणता विकास पे जोर दिया गया भारतीय संस्कृति में। सर्व कल्याणकारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या मानती है, वसुदेव कुटुम्बकन, यानी सब सुखी हों और सब क्या हों, निरोगी हों, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, वसुदेव कुटुम्बकन, सर्व कल्याणकारी संस्कृति। भारतीय संस्कृति में चिंतन की स्वतंत्रता है, कई धार्मिक सभाओं का एक ही मंच हमें पुरानी सभ्यता, पुराने टाइम में देखा जाता है कि कई जो धार्मिक सभाएं हुई हैं वो एक ही मंच पे आयोजित की जाती थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या थी, चिंतन की स्वतंत्रता थी। वर्णाश्रम एवं आश्रम व्यवस्था, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था थी भारतीय संस्कृति, जो इसको अनुशासन और सुव्यवस्थित करती है। देखते हैं किसने कहा है, पी एन प्रभु ने यह कहा है कि आश्रम तथा वर्ण पद ये दोनों क्या थी, संस्थाएं हिंदू सामाजिक संगठन के सिद्धांत की आधारशिला रही हैं। पी एन प्रभु के विचार हैं कि आश्रम तथा वर्ण व्यवस्था है, ये दोनों संस्थाएं हिंदू सामाजिक संगठन के सिद्धांत की आधारशिलाएं रही हैं। अगर हम वर्ण देखें तो उस टाइम में भारत में चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार पार्टों में डिवाइड था। चार वर्ण कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम व्यवस्था किस प्रकार से डिवाइड की गई थी, पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम था, फिर वानप्रस्थ आश्रम था, फिर संन्यास आश्रम था। तो ये पार्टों में डिवाइड थी, चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें सबसे पहले शिशुकाल में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। संयुक्त परिवार प्रणाली ये भारत को एक अलग से बताती है, संयुक्त परिवार प्रणाली जिसमें समाज और देश में क्या होती है, एकता होती है, अहिंसा की भावना तथा निष्काम कर्म पर बल। अहिंसा की भावना तथा निष्काम कर्म पर बल कैसे बताती है भारतीय संस्कृति की कर्तव्य क्या है, सर्वोपरि है, जिससे समाज की प्रगति संभव है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमेशा शुरुआत से ही माना गया है कि जो कर्तव्य है भारत के लोगों का या फिर एक मानव का कर्तव्य, वो ही क्या होता है, मानव के लिए सर्वोपरि होता है। अगर मानव का कल्याण होगा तो समाज की प्रगति संभव है, और समाज की प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। तो ये है पहला आपका टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।